गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन अकेडमी एंड दिस इज आवर चैनल कैट फॉर एमबीए। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट वी आर लिविंग इन द मिडल ऑफ इट। ओके, हम उसी के बीच हम रह रहे हैं। दिस इज द रेनी सीजन गोइंग ऑन एंड वी आर सीइंग हेवी रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम हेवी रेनफॉल को देख रहे हैं, वेर इन वी आर एबल टू सी। ओके, हम अलग अलग पर्टिकुलर अलग अलग चीजों को महसूस कर रहे हैं। वी आर सीइंग एट अ लॉट ऑफ डैमेज। ओके, वी आर सीइंग एट अ लॉट ऑफ डैमेज इन दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। ओके, तो दोनों भी कॉन्टेक्स्ट में हम लॉसेस को देख रहे हैं, इसीलिए वी विल सी व्हाट इज द प्रिपेरेडनेस। ओके, इंडिया का प्रिपेरेडनेस क्या है इन टर्म्स ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। ऑलराइट गाइस, बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक, लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फॉर ऑल द न्यूबीज हु आर गोइंग टू बी हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। माय नेम इज ऋषिकेश काटे। मैंने अपनी एमबीए खत्म की है। आई एम ऑल्सो अ लॉ ग्रेजुएट। आई हैव 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और आई हैव टॉट मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। गाइज, दिस इज आर अमेजिंग टीम। ओके, दिस इज आर अमेजिंग टीम ऑफ कैट फॉर एमबीए हु आर रेडी टू एनहांस योर एमबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन। ओके, सो डू चेक आउट द कोर्सेज गिवन बाय ऑल दीज एजुकेटर्स। वी हैव सम अमेजिंग एजुकेटर्स इन आर टीम हु हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग द कैट एंड स्नैप एस्पिरेंट। जी हाँ गाइज, वी हैव सम रियली गुड एडुकेटर्स विद अस। हमारे पास कुछ ऐसे एडुकेटर्स हैं जिनके पास 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है कैट और स्नैप और बाकी के एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करने के लिए। सो प्लीज चेक आउट द कोर्सेज गिवन बाय रितु मैम एंड अपूर्वा मैम, जो आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। चेक आउट द कोर्सेज गिवन बाय रौनक सर एंड आकाश सर, जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। एंड ऑल्सो चेक आउट द कोर्सेज गिवन बाय श्याम सर, जो आपके एलआर एंड डीआई के प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। ऑफ कोर्स आपको मेरे कोर्सेज तो चेक करने पड़ेंगे ही। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर जीडी एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ वेरियस एमबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन। नाउ, हमें सब लोगों को पता है कि कैट और स्नैप, ये दो जो बड़े मेजर एग्जामिनेशन है, इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो नहीं आता है। बट देर आर अदर मेजर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे आईआईएफटी है, सीमैट है, जैट है, टिस है, एनमैट है, इरमा है, ये जो एग्जामिनेशन है, दीज एग्जामिनेशन हैव करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन देयर पेपर। ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सेक्शन हमने अच्छे से एड्रेस कर लिया तो वी कैन इम्प्रूव आर स्कोर वेरी ड्रास्टिकली। हमारा रैंक जो है मेरिट में वो बहुत अच्छा आ सकता है। हाउएवर, इवन कैट एंड स्नैप एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी वेल वर्स्ड विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि वो उनके ग्रुप डिस्कशन के मार्क्स या फिर पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ लेट्स गो अहेड गाइज। बिफोर वी गो अहेड, कैन आई गेट अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन? क्या आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं? प्लीज जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास। आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीसेंट फ्लड्स इन इंडिया। ओके, हम रीसेंट जो फ्लड सिचुएशन आए हैं इंडिया में उनके बारे में बात करेंगे। देन वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ फ्लड। अलग अलग फैक्टर्स क्या है, अलग अलग रीजंस क्या है फॉर फ्लड्स इन इंडिया, एंड वी विल डेफिनेटली लुक एट द वे फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, ये टॉपिक के लिए हम डेफिनेटली वे फॉरवर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइज, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ दैट यू आर हियर, आप यहाँ पर आ गए हैं और मेरा सेशन देख रहे हैं, तो प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो चेक आउट द वीडियोज देयर। ओके, चेक आउट द वीडियोज देयर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक पर डिस्कशन किया है, राइट फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ओके, तो प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोज दैट आई हैव पोस्टेड। लाइक द वीडियोज, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और उन्हें भी कहिए कि वो आगे
भी उनके दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स। ओके, हम ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को रीच आउट कर सके। हमारा यूट्यूब चैनल है अन एकेडमी कैट फॉर एमबीए, ऑलराइट। सिमिलरली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज कैट फॉर एमबीए, जहां पर आपको सारे रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे अबाउट द सेशन दैट वी डू थ्रू आउट द डे। ओके, हम एवरी डे थ्रू आउट द डे यूट्यूब पर और अनअकैडमी पर सेशन लेते हैं, राइट फ्रॉम 9 o'clock। ओके, मैं सेशन को शुरुआत करता हूँ 9 बजे, एंड श्याम सर का सेशन होता है रात के 10 बजे। तो पूरा दिन हम यूट्यूब और अनअकैडमी पे सेशन लेते हैं, तो आप उसके रिलेटेड सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो गाइज, आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी अपलोडिंग ऑल द पीडीएफ्स। ओके, जो भी हम लेक्चर नोट्स करेंगे वो सारे पीडीएफ्स में मेरे पर्सनल चैनल दैट इज ऋषिकेश काटे लाइव, ओके, ऋषिकेश काटे लाइव पर मैं अपलोड करने वाला हूँ एवरी डे। ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आर दीज आर सम अमेजिंग सब्सक्रिप्शन प्लान स्पेशली डिजाइंड एंड ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी। ओके, ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है स्पेशली अनअकैडमी ने आपके लिए डिजाइन किए हैं, क्योंकि आप क्वालिटी ट्रेनिंग को एक्सेस कर सके, और सिर्फ एक्सेस ही नहीं, आप अपने प्रिपरेशन को विद टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री के साथ एनहेंस कर सके। बस यही नहीं, सिर्फ दिस, नॉट ओनली दिस, ओके, नॉट ओनली दिस, देर आर नंबर्स ऑफ फीचर्स अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फीचर्स हैं और मैं उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ओके, द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 15,750 रुपीज ओनली, एंड द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 18,900 रुपीज ओनली। ओके, तो इन माई व्यू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपियर फॉर कैट दिस ईयर, जो लोग इस साल कैट के लिए अपियर हो रहे हैं और दूसरे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं, को भी टारगेट कर रहे हैं, शुड गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान। और जिन्हें अपने प्रिपरेशन को जल्दी शुरू करना है, दैट इज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, ओके, या फिर कभी कभी थर्ड ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग ऑल्सो, शुड गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान, एंड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट। आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल सकता है आपके सब्सक्रिप्शन पर, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन विद माई डिस्काउंट कोड। ओके, मेरे डिस्काउंट कोड के साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन को लिया तो आपको स्ट्रेट 10% डिस्काउंट मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन। ओके, देर आर लॉट मेनी फीचर्स अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन, मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट एट द एंड ऑफ द सेशन मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको पूरा और फीचर्स बताऊंगा अबाउट अनअकैडमी। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द प्रोसीजर टू क्रैक आवर एंट्री इनटू आवर ड्रीम कॉलेज। ओके, हमारे ड्रीम कॉलेज में हमारा एंट्री जो है उसके प्रोसेस को हम क्रैक करते हैं, बेसिकली हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स क्रैक इट गाइस, लेट्स गो अहेड। कैन यू गाइस गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन? अभी तक आप लोगों ने मुझे थम्स अप नहीं दिया है कमेंट सेक्शन में। इफ यू कैन हियर मी और सी मी प्रॉपरली, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट ग्रेट, आई बिलीव एवरीबडी कैन हियर मी एंड सी मी प्रॉपरली। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन गाइड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, इन एनी टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, देर आर 3 स्टेजेस। ओके, 3 पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। One is the introduction part, second one is the core part, जहां पर discussion जो है एकदम peak पर चला जाएगा, और तीसरा है conclusion part, okay? तीसरा है conclusion part. In my view, okay, in my view, introduction part और conclusion part जो है वो बहुत ही important factor है, okay? Those are two important parts, क्योंकि यहाँ पर आपका independent, okay, ये आपका independent चांस होगा, इंडिपेंडेंट चांस होगा टू ग्रैब द मार्क्स। ओके, टू ग्रैब दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। मॉडरेटर के पास जो आपके लिए 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स उसने अपने पास रखे हैं, यू कैन ग्रैब दिस एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि यू विल हैव 100% ऑफ हिज अटेंशन। ओके, आपके पास उनका पूरा का पूरा अटेंशन जो है वो होगा। तो इंडिपेंडेंट चांस है आपको टू ग्रैब दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, देन नाउ यू हैव टू मेक द इंट्रोडक्शन ओनली इफ यू नो द टॉपिक। ओके, आपको अगर टॉपिक के बारे में प्राइमरी नॉलेज है, इफ यू हैव एनी प्राइमरी नॉलेज अबाउट द टॉपिक, तो ही आप
तो ही आप उसको ओपन करना, तो ही आप उसे शुरू करना, और उसे ओपन इस तरह से करना, ओके, ओपन इट इन दिस वे दैट यू विल ओपन अप डिफरेंट डायमेंशंस टू डिस्कस, ओके, यू विल ओपन अप डिफरेंट डायमेंशंस टू डिस्कस, तो अच्छे तरह से आप इसे ओपन करना, ओके. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर ये टॉपिक आता है, ओके, अगर ये टॉपिक डिस्कशन के लिए आता है, इफ दिस टॉपिक कम्स अप फॉर डिस्कशन, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, ओके. आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में फोकस करना है. लेट अस सी व्हाट डज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक से, ओके, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या कहता है, हम देखते हैं. वी ऑलरेडी नो, ओके, हमें पता है कि रिसेंटली बहुत बड़ा फ्लड आकर गया है आसाम में, ओके, एंड इवन नाउ मुंबई हैज बीन अंडर रेडार. आईएमडी जो है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने मुंबई के लिए जो है एक वार्निंग जारी की है कि देर देर विल बी हेवी रेन्स इन मुंबई इन द कमिंग डेज, ओके. बट रिसेंटली वी हैव सीन दैट फ्लड्स इन आसाम, ओके, रिसेंटली आसाम में फ्लड्स हुए हैं, ओके, आसाम में फ्लड्स हुए हैं एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव कॉज्ड डेवेस्टेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके. आसाम में जो बड़े पैमाने पर फ्लड्स हुए थे, ओके, आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पर फ्लड्स आए थे, हेवी रेनफॉल आए थे, हैव कॉज्ड डेवेस्टेशन, ओके, हैव कॉज्ड डेवेस्टेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट गाइस, ओके, ये जो है वो सबसे पहला इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्लड, ओके. फ्लड के रिलेटेड जो भी चीज है, ओके, फ्लड के रिलेटेड जो भी चीज है, सबसे पहले अगर कुछ इम्पैक्ट होता है, सबसे पहले अगर किसी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो दैट इज इफेक्टेड ऑन लाइफ, ओके, दैट इज इफेक्टेड ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और ये आसाम का जो प्रॉब्लम है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो प्रॉब्लम है, दिस इज एन एनुअल प्रॉब्लम, ओके, दिस इज एन एनुअल प्रॉब्लम. तो हर साल ये आता है, ओके, हर साल एक ये आता है, और इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आसाम, ओके, वो सिर्फ आसाम से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, देर आर अदर पार्ट्स इन द कंट्री ऑल्सो. इस देश में दूसरे भी कोई पार्ट्स है जहां पर फ्लड्स जो है बहुत डोमिनेट करते हैं, या फिर एनुअली अकर करते हैं, ओके. जैसे मैंने कहा, हाउएवर फ्लड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ ईस्टर्न आसाम, ओके, फ्लड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, दे आर एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके, दे आर एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के ऊपर, ओके. Alright guys, I'll write it down for you here so that you understand. Now there are various factors, okay, there are various factors responsible for massive floods in India. Not only the innocent heavy rainfall, okay, innocent and heavy rainfall causes flood in India, but there are man-made, okay. So there are two types of factors responsible. We are going to see that in detail. हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक है नेचुरल कॉजेस, ओके, एक है नेचुरल कॉजेस जिसको हम पढ़ेंगे, और दूसरे है मैन मेड कॉजेस, ओके. तो दूसरे है मैन मेड कॉजेस. यस गाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोगों ने सही सुना है कि इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस, ओके. आप बोलोगे कि सर हेवी रेनफॉल है तो फिर मैन मेड कॉजेस कैसे हो गए? नो, रेनफॉल एंड फ्लड, दीज आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स. हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. नाउ इंडिया इज हाईली वल्नरेबल, ओके, इंडिया जो है वो हाईली वल्नरेबल है एज मोस्ट ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, एज मोस्ट ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया इज प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग, इज प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग. अगर हम डेटा देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंसेस, या फिर मेजोरिटी ऑफ द टेरिटरी इन इंडिया इज प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग. तो ऐसा नहीं है कि फ्लड का जो प्रॉब्लम है इट्स समथिंग न्यू टू इंडिया. नो, वी हैव देर माइट बी सम टाइप ऑफ न्यू फ्लड और न्यू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स इन इंडिया, बट पहले से ही फ्लड जो है इंडिया में एग्जिस्ट करते थे. इट्स नॉट अ अननोन टर्मिनोलॉजी फॉर इंडिया, ओके, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया शुड हैव डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट. द हेवी लॉसेस, ओके, द हेवी लॉसेस व्हिच हैज कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल, हेवी लॉसेस एंड डैमेज ड्यू टू फ्लड शो द पुअर एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्टेटस ऑफ इंडिया, ओके, शो द पुअर एडाप्टेशन
and mitigation status of India, and that is the reason. Okay, that is the reason we need an integrated, okay, we need an integrated flood system in the country. Okay, इसीलिए हमें इस देश में integrated flood system की जरूरत है. Okay, so अगर ये topic आता है, if this topic comes up for discussion, that if the moderator gives you a topic about the recent floods in Assam or even cyclone Amphan that had hit West Bengal or cyclone Nisarg that had hit Mumbai, okay, इसके बारे में अगर टॉपिक आता है तो यू कैन गिव अबाउट दिस पर्टिकुलर, यू कैन टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हैं कि इंडिया इज एक्चुअली प्रोन टू एनुअल फ्लड्स एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर रीजन, वो एक पर्टिकुलर रीजन पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. एज मोस्ट ऑफ द रीजन, ओके, एज मोस्ट ऑफ द रीजन इज वल्नरेबल, most of the region is vulnerable to annual flooding and the heavy losses, okay, the heavy losses and the damage that we have seen in this recent flood, chahe wo Bihar ka flood ho pichle saal ka ya fir Kerala ka flood ho ya fir Assam ka flood ho is saal ka bhi, we have seen that the property and loss of life is massive, and this actually tells us ki how we are poor in adaptation and mitigating state इन टर्म्स ऑफ फ्लड इन इंडिया. ओके, तो इसीलिए हमें एक इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है. तो इफ दिस टॉपिक कम्स अप, ओके, अगर ये टॉपिक आता है आपके डिस्कशन के लिए, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट यू शुड गिव. ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट यू शुड गिव. नाउ गाइज, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेचुरल कॉजेस. ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेचुरल कॉजेस. कैन एनीबडी हियर इन दिस क्लास टेल मी what according to you are the natural causes? Okay, what according to you are natural causes? आपके अनुसार natural causes क्या है? Okay, we will discuss that in detail. See, आप pictures में देख सकते हैं the kind of destruction or the kind of property loss that flood has done in the Assam state recently. Okay. तो दो यहाँ पर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ओके, आई विल टेल अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, आई विल टेल दैट अबाउट इन द नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट पॉइंट. सबसे पहले नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर द नेचुरल कॉजेस. ओके, व्हाट आर द नेचुरल कॉजेस फॉर फ्लड्स इन इंडिया. फ्लड्स के लिए नेचुरल कॉजेस क्या है, हम उसे देखते हैं. ओके, सबसे पहले, ओके, सबसे पहले इज क्लाइमेट चेंज. This is the most basic, okay, this is the most basic problem for every environmental issue that we are facing right now. So, जो भी environmental issue हम face कर रहे हैं, degradation of environment हो, degradation of atmosphere हो, या फिर floods हो, या फिर global warming हो, okay, वो सारे problems के लिए एक ही foundation है, एक ही basic problem है, that is the climate change, okay, तो that is the climate change. According to the international panel, okay, अगर हम data को check करते हैं, we check the data. Just a second, guys. Yes. Okay, अगर हम data को check करते हैं, according to the international panel for climate change, okay, I'll write it down for you here. Okay, according to the international panel, okay, international panel, I'll write it down. ओके, मैं आपके लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा है कि रेनफॉल इंटेंसिटी, ओके, आई राइट इट डाउन फॉर यू हियर अगेन, रेनफॉल इंटेंसिटी, ओके, रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन है, ओके, रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन जो है वो, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, okay, and also frequency is going to increase, it's not going to reduce down or it's not going to stay stagnant, wo stagnant nahi rehne wala hai. International panel for climate change ne kaha hai ki rainfall ka jo intensity hai, jo duration hai aur uska jo frequency hai wo badhne wala hai, it's going to increase, including the cyclonic activity, okay, including the cyclonic activity that we have seen recently. दो बड़े बड़े साइक्लोन्स हमने देखे हैं, वन इज द साइक्लोन एम्फन, ओके, वन इज द साइक्लोन एम्फन एंड अनदर वन इज द साइक्लोन निसर्ग. ओके, साइक्लोन एम्फन जो है वो वेस्ट बंगाल में आया था और साइक्लोन निसर्ग जो है
वो महाराष्ट्र में आया था. ओके गाइस, सो इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट द इंटेंसिटी द ड्यूरेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड द साइक्लोनिक एक्टिविटीज ओके इंसिडेंट लाइक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड क्लाउड बर्स्ट. ओके नाउ क्लाउड बर्स्ट इज ऑल्सो वन सच फेनोमिना, वो भी एक ऐसा फेनोमिना है जो ज्योग्राफी को बहुत ट्रिमेंडसली चेंज करता है, रेनफॉल को बहुत इंटेंस कर देता है. वी हैव सीन इन द केस ऑफ उत्तराखंड. ओके उत्तराखंड में जब क्लाउड बर्स्ट रेनफॉल हुआ था, वी हैव सीन द काइंड ऑफ डेवास्टेशन दैट क्लाउड बर्स्ट हैड ब्रॉट. ओके क्लाउड बर्स्ट ने क्या डेमोन्स्ट्रेशन डेवास्टेशन लाया था वो हमने देखा ही देखा है. सो क्लाइमेट नेचुरल कॉजेस में नाउ सबसे पहले वी ऑल नो कि फ्लड किस वजह से आता है, इट्स बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल. ओके इट्स बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल वेयर ओके तो सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम जो है वो क्लाइमेट चेंज है. नेक्स्ट इज द डिस्टर्ब्ड रेनफॉल पैटर्न. ओके नेक्स्ट इज द डिस्टर्ब्ड रेनफॉल पैटर्न. वी हैव अ स्क्यूड रेनफॉल पैटर्न बिकॉज ओके बिकॉज आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू हियर, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर सो दैट आप अच्छे से पॉइंट को समझ सके, और अगर ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के लिए आता है तो आप उसे यूज कर सके. ओके तो वी हैव अ स्क्यूड रेनफॉल पैटर्न बिकॉज 80% ओके 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है नाउ गाइज आई होप आप सब लोगों को पता है कि प्रेसिपिटेशन मतलब क्या. इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. ओके दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट. वाटर साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वाटर साइकिल का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर. ओके जून टू सेप्टेम्बर इन मंथ में प्रेसिपिटेशन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस ओके व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज रिवर कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स विद देम. ओके लीडर रिवर जो है बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड बिकॉज ऑफ द हेवी प्रेसिपिटेशन जून और सेप्टेम्बर के बीच का जो पीरियड है, वी नो दैट रिवर्स आर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. ओके किसी भी कंट्री के वो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है. तो जब 80% ऑफ द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस रेनफॉल अकर ओके और इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर रिवर जो है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स बहुत सारे मिनरल्स को एक साथ लेकर आते हैं फ्रॉम द कैचमेंट. एंड इफ इट इज कपल्ड विथ इनएडिक्वेट होल्डिंग कैपेसिटी ओके अगर इट इज इफ दैट पर्टिकुलर थिंग अगर उसको ठीक से इनएडिक्वेट होल्डिंग कैपेसिटी या फिर इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम या फिर कंजेशन इन द ड्रेनेज सिस्टम से अगर इस फैक्टर में एड हो जाता है इट एक्चुअली या फिर सॉइल इरोजन. ओके सॉइल इरोजन इज ऑल्सो वन सच कॉम्पोनेंट विच एडप्स टू द वर्स्ट केस सिनेरियो इन दिस ऑल्सो. ओके विच एड्स टू मेक द सिचुएशन मोर वर्स. तो वो क्या होता है कि रिवर के जो बैंक है दीज आर फ्लडेड एंड सिंपली द वॉटर इज फ्लोन आउट इन द एडजॉइनिंग एरिया. सो डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न भी जो है इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द फ्लड्स. ओके तो ये ना अंडरस्टैंड ओके डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विद द क्लाइमेट चेंज. हम देख रहे हैं कि रिसेंटली अगर हम देख अभी हम देखेंगे तो हमारा जो वेदर पैटर्न है इट्स स्लोली शिफ्टिंग. ओके इट्स स्लोली चेंजिंग. देयर हैज बीन इम्प्रॉपर शिफ्टिंग ऑफ वेदर्स नाउडेज या फिर सीजंस नाउडेज. तो अलग अलग फैक्टर्स है अलग अलग रीजंस है फॉर फ्लड्स टू अकर. उसमें से सबसे पहला क्लाइमेट चेंज है. नेक्स्ट वन इज द डिस्टर्ब्ड रेनफॉल पैटर्न. ओके रेनफॉल जब होता है द रिवर्स एक्चुअली कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स एंड मिनरल्स विद देयर कैचमेंट. ओके उनके कैचमेंट से जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स बहुत सारे मिनरल्स को अपने साथ लेकर आते हैं. एंड बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स इनएडिक्वेट ड्रेनिंग कैपेसिटी या फिर कंजेशन इन द ड्रेनिंग सिस्टम फ्लड्स विल अकर. ओके फ्लड्स आर सपोजिटली टू टेक अकर. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसनेशनल रिवर्स. ओके नेक्स्ट इज द ट्रांसनेशनल रिवर. ट्रांसनेशनल रिवर मतलब क्या. दीज आर पर्टिकुलरली
ओके ट्रांस नेशनल रिवर मतलब क्या, दीज आर रिवर्स विच आर ओके रिवर्स विच आर शेयर्ड बाय द कंट्रीज, ओके दीज आर रिवर विच आर शेयर्ड बाय द कंट्रीज, दो या तीन देशों में ये रिवर जो है वो शेयर होती है। नाउ वी नो दैट मेजर रिवर्स लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो रिवर्स है दे ओरिजिनेट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देन दे फ्लो डाउन इनटू आवर कंट्री। ओके तो मेजर रिवर्स इन आवर कंट्री इनका ओरिजिनेशन कहाँ पर है, द ओरिजिनेशन ऑफ दिस रिवर्स इज इन द डिफरेंट कंट्री बट इट टेक्स अ डिफरेंट रूट, ओके इट टेक्स अ डिफरेंट रूट एंड देन चेंज इट्स कोर्स, ओके देन चेंज इट्स कोर्स एंड ज्वाइन इन द इंडियन टेरिटरी। ओके फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र, ओके ब्रह्मपुत्र का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स ओरिजिनेटेड इन द मानसरोवर लेक बट इट फ्लोज डाउन टू चाइना, ओके फ्लोज डाउन टू चाइना, चाइना में कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन चाइना, ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या कहते हैं कोई बता सकता है क्या मुझे, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन चाइना, इट्स कॉल्ड सांगपो, ओके इट्स कॉल्ड सांगपो, इट्स कॉल्ड सांगपो, ओके उसे सांगपो कहते हैं चाइना में, इट्स एक्चुअली कॉल्ड ब्रह्मपुत्र व्हेन इट एंटर्स इनटू इंडिया। ओके तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से यू टर्न लेकर देन इट एंटर्स इनटू इंडिया। नाउ व्हाट हैपेंस, ओके व्हाट हैपेंस विद दिस फ्लोइंग रिवर, दे चेंज देयर कोर्स, ओके दे चेंज देयर कोर्स अलोंग विद इट, ओके अलोंग विद देयर चेंज इन द कोर्स दे ऑल्सो चेंज देयर टोपोग्राफी, ओके टू ऑल्सो चेंज देयर टोपोग्राफी फ्रॉम हाई माउंटेन अल्टीट्यूड टू लोअर प्लेन्स, ओके हाई माउंटेन अल्टीट्यूड टू लोअर प्लेन्स, सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस द वाटर विच इज फ्लोइंग डाउन द रिवर फ्लोइंग डाउन द माउंटेन, ओके इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ वेलोसिटी, इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ वेलोसिटी एंड व्हेन इट रीचेस डाउन, ओके व्हेन इट रीचेस डाउन ऑन द लो सर्फेस द वाटर इज सिंपली स्पिल्ड आउट, ओके द वाटर इज सिंपली स्पिल्ड आउट बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी एंड द इंटेंसिटी और that particular volume of water when it comes down on the lower areas adding up, okay adding up with heavy rainfall will result into flood, okay will result into flood. I hope you guessed this point, सब लोगों को ये point समझ में आया है, how आप लोगों को सब लोगों को ये point समझ में आया है, okay so that is the reason, okay these are one of the major reasons, these are the major reasons why flood occur, these are the major reasons why flood occur. Transnational river matlab the rivers which are shared by the countries, okay jiska origination, okay jiska origination jo hai wo kisi aur desh mein hai, which is there in some different which is there in some different country and later it comes to India, okay so transnational river, change in the topography, sudden change in the topography, high mountain altitude से डायरेक्टली लोअर एरियाज में जब आते हैं तो फिर विच इज अकम्पनीड बाय हेवी रेन इट विल रिजल्ट इन टू फ्लड, ओके इट विल रिजल्ट इन टू फ्लड। ऑलराइट गाइस आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, ओके आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, ओके अर्थक्वेक इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर नेचुरल कॉजेज फॉर फ्लड्स टू अकर, अगर हम डेटा को चेक करेंगे, ओके इफ यू चेक द डेटा द अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, ओके मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके द अर्थक्वेक डिजास्टर, ओके द अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, ओके अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स दैट इज EDRI, ओके EDRI प्रिपेयर्ड, ओके दिस इज द रिस्क इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आई विल राइट इट डाउन अगेन फॉर यू हियर, ओके नेशनल डिजास्टर, ओके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पॉपुलरली नोन एज NDMA, ओके पॉपुलरली नोन एज NDMA, उन्होंने कहा है, ओके उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स दैट 56% ऑफ इंडियन टेरिटरी, ओके 56% of Indian territory actually lies within, okay within minor to major, okay minor to major earthquake prone areas, okay earthquake prone areas, तो आप देख सकते हैं guys कि कितना बड़ा
रीजन है, 56 मतलब आधे से भी ज्यादा, ओके आधे से भी ज्यादा जो रीजन है हमारे देश का, दैट लाइज इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ओके दैट लाइज इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, माइनर टू मेजर। इसीलिए जब अर्थक्वेक होता है, ओके व्हेन अर्थक्वेक हैपेंस द कोर्स ऑफ द रिवर्स इज डिस्टर्ब, ओके द कोर्स ऑफ द रिवर्स इज डिस्टर्ब एंड दैट कैन लीड अप टू मैसिव फ्लड्स, ओके दैट कैन लीड अप टू मैसिव फ्लड्स इन द रीजन, ओके दैट कैन लीड अप टू मैसिव फ्लड्स इन द रीजन। ओके तो ये समझ में आ गया गाइस, हाउ अर्थक्वेक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हाउ अर्थक्वेक इज ऑल्सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स इन इंडिया। ओके इज देयर एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये कोई ये पॉइंट पर किसी को डाउट है? ओके गाइस आई बिलीव देयर इज नो डाउट विद एनीबॉडी, लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द ह्यूमन कॉजेस, ओके डिस्कस द ह्यूमन कॉजेस फॉर दिस पर्टिकुलर इश्यू। ओके व्हाट आर द वेरियस ह्यूमन कॉजेस? ओके नाउ एज मच एज फ्लड इज अ रेनफॉल इज अ नेचुरल फेनोमिना, द फ्लड इज अ नेचुरल फेनोमिना, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। हमने ऑलरेडी नेचुरल कॉजेस को डिस्कस किया है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस। ओके गाइस सी द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ओके द कोर पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन वेयर द डिस्कशन इज सपोज टू गो ऑन अ हाई स्टेट, ओके इट हैज टू गो, इट हैज टू रीच द पीक, तब आप इन फैक्टर्स को पुट फॉरवर्ड कर सकते हो आपके ग्रुप डिस्कशन में कि देर आर नेचुरल कॉजेस, ओके देर आर नेचुरल कॉजेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्लड, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न हो गया या फिर ट्रांसनेशनल रिवर हो गया या फिर अर्थक्वेक्स हो गया। यू हैव टू मेक, नाउ सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टिप्स, ओके या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर ग्रुप डिस्कशन इज टू मेक रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, ओके विदाउट डिस्टर्बिंग और विदाउट हार्मिंग द डेकोरम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। आप अपने ग्रुप डिस्कशन के डेकोरम को डिस्टर्ब किए बिना, उसे हार्म किए बगैर आप अगर पार्टिसिपेट करते हो, कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेटिंग, कमिंग अप विद न्यू पॉइंट्स एवरी टाइम, ओके विद न्यू इंफॉर्मेशन एवरी टाइम, वेरी हाई चांसेस आर देयर दैट यू मे स्कोर रियली गुड। ओके तो जब ये पार्ट, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो जाएगा, ओके व्हेन एवरीबॉडी विल टेल अबाउट देयर व्यू पॉइंट दैट दे नो अबाउट फ्लड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट है ये वो व्हाट नॉट दे विल से अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन, जब वो खत्म हो जाएगा एंड व्हेन द ग्रुप डिस्कशन शिफ्ट्स इट्स टू द नेक्स्ट गियर, तब आप इस इंफॉर्मेशन को पुट डाउन कर सकते हो, दैट नेचुरल कॉजेस एंड ह्यूमन मेड कॉजेस। ओके तो ह्यूमन मेड कॉजेस को अभी हम डिस्कस करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लड इन दिस कंट्री। ओके हमारे देश में ह्यूमन कॉजेस क्या क्या है? सबसे पहले, सबसे पहले इज अनप्लान्ड डेवलपमेंट, ओके अनप्लान्ड डेवलपमेंट, वी हैव सीन दैट ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सेल्फिश मोटिव हैव फॉर डेवलपमेंट वेर देर इज बैकअप ऑफ देयर ग्रीड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बहुत बार जो है डेवलपमेंट हैज बीन अनप्लान्ड, ओके अनप्लान्ड मतलब क्या, दे डोंट हैव रिजर्वायर्स, उन्होंने डैम स्ट्रक्चर को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, कैनल्स को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, वाटर रिजर्वायर्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स जो है उन्हें ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से और व्हाट वी कैन मेक आउट फ्रॉम दिस इज पुअर अर्बन प्लानिंग, ओके पुअर अर्बन प्लानिंग, जस्ट सेकंड गाइस। ओके पुअर अर्बन प्लानिंग सबसे पहला, ओके दिस इज द मेन रीजन, ओके दिस इज द मेन रीजन फॉर फ्लड्स टू हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन रीजन। नाउ हमें पता है कि फॉर डेवलपमेंट, ओके हमें पता है कि फॉर डेवलपमेंट ह्यूमंस हैव कट डाउन द फॉरेस्ट, ओके डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन मैसिव, बहुत ज्यादा रेट पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, ओके बहुत ज्यादा रेट पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था फॉर टू अक्वायर मोर एंड मोर लैंड, ओके लैंड को वो ज्यादा से ज्यादा अक्वायर किया जा सके, वहां पर बिल्डिंग्स बांधे जा सके, वहां पर कॉम्प्लेक्सेस बांधे जा सके, सो दैट वी कैन
extend the civilization. Okay, we can extend the settlement. Civilization nahi, we can extend the settlement of the people into semi urban areas. Okay, so we can see Mumbai, for example, Mumbai ka hum ek example lete hain. तो मुंबई पहले जो था इट वाज कंसोलिडेशन ऑफ सेवन आइलैंड्स, बट बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड सेटलमेंट ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट हैज एक्सटेंडेड. ओके, उसका जो एरिया है वो रोज दिन ब दिन, ओके, दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज मूविंग. ओके, एवरीबडी इज एक्सटेंडिंग देयर सेटलमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, और उसी के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दे डीफॉरेस्ट. तो ह्यूमन अर्बन प्लानिंग, ओके, ह्यूमन अर्बन प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रीजंस, ओके, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन कॉजेस फॉर फ्लड. ओके, यहाँ पर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो देयर. ओके, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन को हम कंसिडर करते हैं, देन दे डू नॉट कंस्ट्रक्ट, ओके, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ, ओके, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स. ओके, रिजर्वॉयर्स के इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होते हैं, फिर कैनल्स, ओके, कैनल्स के इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होते हैं, डैम्स, ओके, डैम्स जो है उनके इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होते हैं. तो अनप्लान डेवलपमेंट जो है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओके, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विल लीड टू डेवस्टेशन. ओके, विल लीड टू डेवस्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ. ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ. ऑलराइट गाइस, तो ये एक जो रीजन है अनप्लान्ड डेवलपमेंट का, जो रीजन है दैट इज प्राइमरी और मेन कॉज फॉर ह्यूमन मेड कॉजेस इन टर्म्स ऑफ फ्लड. ओके, डिफॉरेस्टेशन तो है ही है, हम डिफॉरेस्टेशन करते ही जा रहे हैं, हमारे ओन ग्रीड के लिए, हमारे खुद के ग्रीड के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर ही जा रहे हैं. एंड वी इट सीम्स दैट ह्यूमन बींग्स, ओके, इट सीम्स दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट गिविंग any kind of any kind of care towards the forests that we had. okay, हमारे forest के प्रति हम किसी भी प्रकार का sensitivity नहीं दर्शा रहे हैं. we are not giving any kind of sympathy or sensitivity towards protection of the forest. the human beings for their own good, okay, human beings for their own good and for their own greed are cutting down the forests. And unplanned development, okay, unplanned development is one of such reasons, okay, one of such reason which will lead down to flood in India, okay, which will lead down to flood in India. All right, guys, I hope you guys have understood, okay, I hope you guys have understood poor urban planning, okay. Then comes the urban flood, okay, then comes the urban flood. Recently, we have seen that अर्बन फ्लडिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस. ओके, वो बहुत ज्यादा रेट में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अर्बन फ्लडिंग आर कॉजिंग ह्यूज फ्लड्स इन द सिटी. ओके, ह्यूज फ्लड इन द सिटी. जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ओके, अर्बन पुअर अर्बन प्लानिंग, ओके, पुअर अर्बन प्लानिंग, उसी को हम इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, बट इन डिफरेंट वेज. ओके, बट इन डिफरेंट वेज अर्बन फ्लडिंग में देर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. वन इज द वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, वन इज द वेस्ट मैनेजमेंट, एक जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, वो है सीवेज ट्रीटमेंट. इफ दीज टू थिंग्स, ओके, अगर ये दो चीज ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, ओके, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, तो फिर इट कैन लीड अप टू मेजर मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लड. अर्बन फ्लडिंग के लिए दूसरे भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, सच एज एनक्रोचमेंट. ओके, सच एज एनक्रोचमेंट. एनक्रोचमेंट मतलब क्या, कब्जा कर लेना. एनक्रोचमेंट ऑफ वाटरवेज. ओके, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटरवेज, फिर वेटवेज, ओके, वाटरवेज या फिर वेटलैंड्स. ओके, देन इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ ड्रेन्स, मैंने यहाँ पर बताया था, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, इनकैपेसिटी ऑफ ड्रेन, इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ ड्रेन, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. ओके, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. नाउ वी हैव सीन इन द केस ऑफ केरला ऑल्सो एंड इन द केस ऑफ बिहार ऑल्सो, जब फ्लड्स फ्लश डाउन हो गए थे, व्हेन द फ्लड्स वेंट ऑफ इन बिहार एंड केरला,
We have seen huge piles of plastic being stuck in the drainage system. Okay, so if a lot of times government, okay, local administration jo hai, wo, even though they have huge budget for this particular provision, is particular cheez ke liye unke paas bada budget bhi hai, they don't properly implement the provisions related to waste management and sewage treatment. Iske wajah se kya hota hai? All the garbage that we dump on the road, all the littering that we do on the road, that goes down into our sewage system. Okay, हमारे sewage system में वो चला जाता है and it simply chokes up. Okay, it simply chokes up our drainage system. क्या होता है उसके वजह से मुंबई में ज्यादातर ये problem देखने के लिए मिलता है when there is heavy rains. Okay, when there is heavy rain, a lot of times अनप्लान डेवलपमेंट में भी ये पॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है कि अ लॉट ऑफ टाइम जो है देर इज नो इनफ स्पेस फॉर द वॉटर टू ड्रेन आउट. ओके, देर इज नो इनफ स्पेस फॉर द वॉटर टू ड्रेन आउट. पानी को निकल जाने के लिए ही इनफ जगह नहीं होता है. इनएडिक्वेट प्लेस और इनएडिक्वेट स्पेस for the water to escape from the road or from the surrounding, because again this is because of improper town planning, because they have not given enough they do not have a structured plan in terms of waste management. Okay, wo jo bhi kachra jama hota hai ya fir jo bhi sewage treatment hota hai, that has to be in a free flow so that it should be disposed of in a proper way. और क्या फ्लड क्यों होती है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में? देयर इज हेवी रेनफॉल एंड द ड्रेनेज आर चोक, सो देयर इज नो इनफ स्पेस फॉर द वाटर टू एस्केप. इसीलिए क्या होता है, वाटर जो है अक्यूमुलेट होता है. ओके, इट सिंपली अक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस. एंड वी हैव सीन मुंबई में वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम होता है. ओके, मुंबई में वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट द ड्रेनेज इज चोक. ओके, दैट द ड्रेनेज is actually choked because of the garbage that we litter. Bihar maybe we have seen thousands of tons, okay, thousands of tons was flushed off on the surface. Okay, thousands of plastic, okay, thousand tons of plastic was actually flushed off on the surface when the water really went off in Bihar. Okay, Bihar mein humne dekha hai kitna to kooda, kitna to kachra सरफेस पर आ गया था, ओनली बिकॉज द वॉटर कुड नॉट एस्केप, विच वॉज प्राइमरली चोक्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, विच वॉज प्राइमरली चोक्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली. हमने बहुत बुरे वे में, ओके, हमने बहुत बुरे वे में ड्रेनेज सिस्टम को जो है एस्टेब्लिश किया है. एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लैक इट्स मेंटेनेंस. ओके, एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ओके, वो ठीक से उसे मेंटेन नहीं कर पाते. इसीलिए देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लड्स व्हेन दीस थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ. देन अगर हम आगे जाते हैं, निग्लेक्ट ऑफ प्री डिजास्टर प्लानिंग. ओके, निग्लेक्ट ऑफ प्री डिजास्टर प्लानिंग. जनरली हम जनरली वी सी दिस थिंग इन इन एनी काइंड ऑफ डिजास्टर दैट वी आर ऑलवेज देयर इन द पोस्ट सिचुएशन. ओके, वी आर ऑलवेज देयर इन द पोस्ट सिचुएशन. वी डू नॉट फोकस ऑन द प्री डिजास्टर प्लानिंग. ओके, हमें एक ऐसे रोबस्ट सिस्टम को डेवलप करना है, ऐसे एक वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना है जो कि हमें डिजास्टर के बारे में प्रिडिक्शन दे और पहले ही हमें अलार्म करे, सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व और करेक्टिव मेजर्स टू सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम टू बी डिस्ट्रक्टेड एंड लाइव्स टू बी सेव्ड. ओके, तो ऐसे सिस्टम को हमें डेवलप करना है. Now this is again lack in the planning. Okay, very good morning Aniket, very good morning Aniket, welcome to the class. Okay, welcome to the class. So this is one of those things. Okay, this is one of those things where the administrative do not plan properly. Okay, they do not plan on the pre-disaster position. हम डिजास्टर के पहले ही कुछ रिसोर्सेस या फिर कुछ चीजों को ऐसे करे, कुछ स्टेप्स को ऐसे ले, कुछ मेजर्स ले जहां पर हम लॉस को जो है वो सबसाइड कर सके. ओके, लॉस को जो है सबसाइड कर सके. ओके, इज दैट क्लियर विथ यू अनिकेत? अनिकेत, इज दिस पॉइंट क्लियर? व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस? ओके, देयर आर वेरियस ह्यूमन कॉजेस दैट लीड्स टू फ्लड इन इंडिया. ओके, फ्लड के लिए अलग अलग ह्यूमन कॉजेस है.
सबसे पहले तो अनप्लान डेवलपमेंट, ओके, देन कम्स दी अर्बन फ्लडिंग एंड देन कम्स दी निग्लेक्ट ऑफ प्री प्लानिंग सिचुएशन. ओके, वी डू नॉट हैव अ प्री प्लानिंग सिचुएशन. ऑलराइट, सिंस यू हैव जॉइंड इन लेट, ओके, अनिकेत आप लेट ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ब्रीफ देता हूं. आई जस्ट क्विकली गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट द टॉपिक इट इज. दैट ओके विद यू, या यू वांट मी टू कैरी फॉरवर्ड विद द टॉपिक? अनिकेत, अनिकेत आपको मैं जल्दी से ओवरव्यू दे दूं इस टॉपिक का, या फिर आप यू वांट मी टू कंटिन्यू विद द टॉपिक? व्हाट डू यू से अनिकेत? इंट्रोडक्शन पार्ट क्विकली आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड नेचुरल कॉजेस शुड आई क्विकली कवर? इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फ्लड रिलीफ फंड्स, गवर्नमेंट शुड आस्क फॉर फ्लड प्रिवेंशन फ्लड. यस, विच मीन्स बेसिकली हमें प्लानिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए. ओके, वी शुड रियली फोकस मोर ऑन प्लानिंग. ओके, वी शुड फोकस मोर ऑन प्लानिंग, इट सीम्स. ओके ओके, सो नो प्रॉब्लम, आई विल कंटिन्यू. नाउ सी, दीज आर द नेचुरल कॉजेस एंड द ह्यूमन कॉजेस. नाउ वेन एवर दिस टॉपिक कम्स अप फॉर डिस्कशन, अगर ये टॉपिक डिस्कशन के लिए आता है किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, डोंट फॉरगेट टू लिस्ट डाउन ऑल द नेचुरल कॉजेस. ओके, नेचुरल कॉजेस को लिस्ट डाउन करना मत भूलना, और ह्यूमन कॉजेस को भी लिस्ट डाउन करना मत भूलना. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन गिव अ वे फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हैं? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स दैट वी कैन गिव फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सबसे पहले इज वी शुड हैव अ डिजास्टर प्रिपेरेडनेस प्लान. ओके, डिजास्टर प्रिपेरेडनेस प्लान. नाउ अनिकेत, लाइक यू राइटली सेड दैट इंस्टेड ऑफ फ्लड रिलीफ फंड वी शुड हैव अ फ्लड प्रिवेंशन प्लान. उसके लिए हमें जो है एक प्लान को रेडी करना होगा. ओके, प्लान को रेडी करना होगा कैसे? नाउ व्हाट शुड बी द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्लान? ओके, इस पर्टिकुलर प्लान में कौन से पॉइंट होने चाहिए? सबसे पहले तो हमें फ्लड हॉटस्पॉट्स जो है, ओके, फ्लड हॉटस्पॉट जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, फ्लड हॉटस्पॉट जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब उनका मैपिंग करना होगा ऑन बोथ द स्केल्स. ओके, इट शुड बी मैप्ड ऑन बोथ द सेल, वन इज लोकल लेवल, ऑल्सो लोकल लेवल पर भी हमें उनका मैपिंग करना है, और रीजनल लेवल पर भी उनका मैपिंग करना है. देन वी हैव टू मैनेज द रिपेरियन एरिया ऑल्सो. ओके, वी हैव टू मैनेज द रिपेरियन एरिया. ओके, रिपेरियन एरिया मतलब इट इज द बैंक एरिया, रिवर का जो बैंक होता है उसे भी हमें ठीक से मैनेज करना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज वेन एवर देर आर हेवी रेन्स, ओके, जब भी हेवी रेन्स होता है, द वॉटर्स इंटेंसिटी, ओके, वॉटर का जो इंटेंसिटी है, उसका जो वेलोसिटी है, इट्स डिस्टर्ब, इट्स बिकम मोर एग्रेसिव. और अगर हमने उसको ठीक तरह से मैनेज नहीं किया है, द वॉटर एग्रेसिवली स्पिल्स ओवर द सर्फेस. ओके, द वॉटर एग्रेसिवली स्पिल्स ओवर द सर्फेस एंड कैन रिजल्ट इन हेवी फ्लडिंग. ओके, एंड दैट कैन रिजल्ट इन हेवी फ्लडिंग. अगर हम इसे ठीक से मैनेज करते हैं, ओके, इफ वी मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी प्रॉपरली, वी कैन रिड्यूस और वी कैन कंट्रोल द स्पिलिंग ऑफ वॉटर. ओके, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्पिलिंग ऑफ वॉटर एंड द सॉइल टू बी इरोडेड. ओके, सॉइल का जो इरोजन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली रिवर बैंक्स का जो सॉइल है, जब वो इरोड होता है, जब वो इरोजन होता है, दैट्स व्हेन द वॉटर स्टार्ट्स टू एंटर. ओके, दैट्स व्हेन द वॉटर स्टार्ट्स टू एंटर इन टू द सर्फेस. इसीलिए रिपरिन एरिया, ओके, रिपरिन एरिया जो है उसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेरेडनेस प्लान. ओके, इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर प्रिपरेशन प्लान. नाउ वी शुड ऑल्सो हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. ओके, वी शुड हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. अगेन, दिस इज अ पॉइंट दैट कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग ऑल्सो. ओके, ये पॉइंट जो है हम प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में ही इसको कंसिडर कर सकते हैं. जनरली इफ वी सी इंटीग्रेटेड अप्रोच कैन बी ऑफ टू टाइप्स. उसे दो टाइप्स में हम कन्वर्ट उसे दो टाइप्स में हम पढ़ सकते हैं. वन इज द हार्ड अप्रोच. ओके, वन इज द हार्ड अप्रोच एंड सेकेंड वन इज द सॉफ्ट अप्रोच. ओके, सेकेंड वन इज द सॉफ्ट अप्रोच. नाउ हार्ड अप्रोच बेसिकली विल डील विथ इंजीनियरिंग. ओके, बेसिकली विल डील विद ऑल द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ फ्लड मैनेजमेंट, जैसे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है,
प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिक रिजर्वायर्स है, widening and deepening of canals, okay, widening and deepening of the canals which will prevent the spilling to happen, okay. तो इस वे में, okay, इस पर्टिकुलर फ्रंट में हार्ड अप्रोच मतलब क्या, जो भी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है, ओके, डैम्स रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स के रिलेटेड, कैनल्स के रिलेटेड, रिवर के मैनेजमेंट का भी जो एक इश्यू है, दैट वी कैन कंसिडर इनटू द हार्ड अप्रोच ऑफ दिस प्लान. और सॉफ्ट अप्रोच में बेसिकली इट्स द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ओके, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब नेचुरल वे में ही हम फ्लड्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन ग्रीड हैव स्टार्टेड चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर, ओके, रिवर के कोर्स को वो चेंज करते हैं सो दैट दे कैन प्रोक्योर मोर लैंड, ओके. उत्तराखंड के एग्जाम्पल में हमने देखा, जब उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन दैट ह्यूमन बींग्स फोर्सफुली चेंजिंग, ओके, फोर्सफुली चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर इन ऑर्डर टू अक्वायर मोर लैंड, मोर फर्टाइल लैंड. वॉट हैपन्स, the ecological balance, okay, the ecological structure that we have in a particular ecosystem is imbalanced, and this is because of deforestation also. Deforestation ke wajah se kya hota hai, the ecological balance, the ecological cycle that we have in that particular ecosystem is actually disturbed. To soft approach jo hai, okay, ecological approach jo hai towards फ्लड मैनेजमेंट इज एक्चुअली स्टेबलाइजिंग द नेचर, ओके, स्टेबलाइजिंग द नेचर. नेचर को हम कितना अच्छे से स्टेबलाइज करते हैं सो दैट इवन दो देर इज अ माइन्यूट क्लाइमेट चेंज, इट विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन बींग्स, ओके. तो नेचर को हमें स्टेबलाइज करते रहना है, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, ओके, इकोलॉजिकल बैलेंसेज जो है उसको हमें उसे हमें ठीक से बैलेंस करके रखना है, ओके. देन गोइंग अहेड, प्रायोरिटाइजिंग बफर्स, ओके, वे फॉरवर्ड में हमें बफर्स को भी प्रायोरिटाइज करना है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी चेक करना है और एडेप्टेबिलिटी को भी कंसिडर करना है. बेसिकली अगेन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, विच मीन्स यहाँ पर हम इन इन दो पर्टिकुलर पॉइंट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. दिस पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस. नाउ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो बना देते हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, ओके, दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड. तो प्रायोरिटाइजिंग बफर्स हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, इरिगेशन सिस्टम में, रिवर मॉडलिंग में या फिर लेक मॉडलिंग में, जो भी बफर है, ओके, जो भी बफर है उसे हमें ठीक, उसे हमें ब्रिज डाउन करना है, उसे खत्म करना है. वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ओके, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन आर ओन वेज इन ऑर्डर टू अडॉप्ट, ओके, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू वेज टू स्टॉप फ्रॉम फ्लडिंग. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट पॉइंट, इज फोकसिंग, ओके, इट्स फोकसिंग ऑन अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, ओके. रिसेंटली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस ऑफ वेस्टलैंड एंड सुअर मैनेजमेंट, ओके, नया प्रॉब्लम रेज हुआ है, दैट इज अर्बन फ्लड, ओके, अर्बन फ्लड. तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना, अर्बनाइजेशन तो रुकने नहीं वाला है, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट इज गोइंग टू बी एन इनसेसेंट इनसेसेंट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके. तो वो तो कभी रुके नहीं, रुकेगा ही नहीं. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर डेवलपिंग समथिंग, ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर डेवलपिंग समथिंग, वी हैव टू प्लान, ओके, वी हैव टू प्लान इट इन सच अ वे दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब the ecological balance. Actually, we should take a lesson from the Indus Valley civilization people from this particular aspect. Okay, Indus Valley civilization के लोगों से हमें इसके लिए कोई एक सीख लेनी होगी, क्योंकि even though they living in the most primitive times, जहाँ पर technology का development absent ही था, I will not say it did exist that time, it was absent.
उस समय से दोज पीपल दे वर वेरी गुड इन टाउन प्लानिंग, ओके, दे वर वेरी गुड इन टाउन प्लानिंग, वो टाउन प्लानिंग में बहुत अच्छे थे, इंक्लूडिंग सीवर ट्रीटमेंट, ओके, इंक्लूडिंग सीवर मैनेजमेंट, ओके, इंक्लूडिंग सीवर मैनेजमेंट. तो उन लोगों से हमें कुछ सीख लेनी है. वी हैव टू टेक सम लेसन्स फ्रॉम दिस पीपल इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग, ओके. तो अर्बन फ्लड मैनेज्मेंट विच इज अ न्यूली अराइज प्रॉब्लम, ओके, विच इज अ न्यूली अराइज प्रॉब्लम शुड बी कंसिडर्ड, ओके, शुड बी फोकस्ड अपॉन. ऑलराइट अनिकेत, आर यू स्टिल देयर विद अस? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट अनिकेत? ओके, सी नाउ दिस दिस इज अ पिक्चरल डिपिक्शन ऑफ द फ्लड जोन कंट्री. ओके, द सोर्स इज एनडीएमए, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि वी रियली नीड टू पुश, ओके, वी रियली नीड टू, नाउ इट्स रियली द टाइम टू पुश द गाइडलाइंस, ओके, द गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय एनडीएमए, ओके, एनडीएमए ने 2016 में कुछ गाइडलाइंस दिए थे इन टर्म्स ऑफ अर्बन फ्लड मैनेजमेंट. उसे पुश करना, आई थिंक नाउ इज द रियल टाइम फॉर अस टू पुश फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ओके गाइस, सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है. दिस इज द पिक्चरल डिपिक्शन, फ्लड जोन इन द कंट्री, एरिया प्रोन्स टू द फ्लड. द सोर्स इज एनडीएमए, ओके, एनडीएमए ने सोर्स दिया है. रिसेंटली वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 1600 लाइफ, जो कि हमने 1600 लाइफ को लॉस किया है. 75 एकर्स, ओके, 75 एकर्स, 75 लाख एकर्स ऑफ लैंड इज अफेक्टेड, ओके, 75 एकर्स ऑफ लैंड इज अफेक्टेड. उसके बाद वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 1805 करोड़ रुपीज, ओके, 1805 करोड़ रुपीज डैमेज टू क्रॉप्स, हाउसहोल्ड एंड पब्लिक यूटिलिटी. तो यू सी गाइज, द लॉस दैट वी हैव बिकॉज ऑफ फ्लड, ओके, नो मैटर हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, नो मैटर हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो नेचुरल कॉजेस हो या फिर वो ह्यूमन मेड कॉजेस हो, द लॉस दैट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज वेरी ह्यूज, ओके, इट्स वेरी ह्यूज. इवन द लैंड, ओके, इवन द लैंड दैट वी हैव 75 लाख एकर्स ऑफ लैंड इज एक्चुअली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फ्लड. तो एरिया देख सकते हैं हम, वी कैन सी दिस इज सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज द मुंबई पार्ट, ओके, मुंबई पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं. देन सम पार्ट ऑफ गुजरात, ओके, गुजरात का भी जो पार्ट है. देन सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ओके, आंध्र प्रदेश. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्लड का जो प्रॉब्लम है, ओके, फ्लड का जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया पर वो लिमिटेड नहीं है. इट एक्चुअली गोज ऑन और इट्स एक्सटेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो. ऑलराइट गाइस, नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी द कंक्लूजन, ओके, लेट अस गो अहेड एंड सी द कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंक्लूजन को हम देखते हैं. सबसे पहला, नाउ कंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्लूजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज दैट कंक्लूजन. जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर गोइंग टू हैव 100%, ओके, यू आर गोइंग टू हैव 100% अटेंशन ऑफ योर मॉडरेटर, ओके, आप मॉडरेटर के 100% अटेंडेंस आपके पास होगा. तो यू हैव टू ग्रैब दोज एक्स्ट्रा पॉइंट, ओके, यू हैव टू ग्रैब दोज एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम दैट मॉडरेटर. हाँ, एक्चुअली मॉडरेटर, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गिव अ कंक्लूजन इन अ वेरी क्रिस्प एंड इम्प्रेसिव मैनर, सो दैट द मॉडरेटर विल गिव दोज एक्स्ट्रा मार्क्स टू यू. इट कंक्लूजन जो है, जनरली हम जो भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस इन इन आर डिस्कशन, उसके लिए हम सॉल्यूशंस पुट आउट करते हैं या एंड उस पर्टिकुलर डिस्कशन को जो है सम अप करते हैं. तो योर कंक्लूजन शुड बी वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव, ओके.
फ्लड्स कॉजेस, ओके, फ्लड्स कॉज मेजर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर, ये हमें पता है, हिस्ट्री हैज टोल्ड अस अबाउट दैट. इट इज टाइम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान, ओके, सिंस दिस इज अ एनुअली अकरिंग प्रॉब्लम, ओके, एंड इट इज इनसेंट, ओके, इट इज इनसेंट इन नेचर. द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम टूगेदर एंड प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर इट. देन देर इज अ नीड फॉर एन इंटीग्रेशन, ओके, देर इज अ नीड फॉर एन इंटीग्रेशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट प्लान दैट ब्रिंग्स ऑल द रिवर बेसिन शेयरिंग कंट्री एज वेल एज इंडियन स्टेट ऑन बोर्ड, ओके. तो रिवर जो है फ्लड कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल को प्ले करता है, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ बेसिन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ रिवर बेसिन और उसको मैनेज करना इज एक्चुअली द नीड ऑफ द टाइम, ओके, इट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द टाइम. ऑलराइट गाइस, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक. आपको ये टॉपिक जो है वो पूरा समझ आ गया होगा, व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड मेक और व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड पुट फॉरवर्ड इफ दिस टॉपिक कम्स अप फॉर डिस्कशन, ओके, अगर ये टॉपिक डिस्कशन के लिए आता है तो. ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन. आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. बट बिफोर वी पार्ट वेज, ओके, बिफोर वी पार्ट वेज, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके, जस्ट लेट मी नो टेल यू अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन. वाई यू शुड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज जैसे मैंने मेरे शुरुआत के लेक्चर में कहा था कि इट हैज वेरियस डिफरेंट फीचर्स, ओके, अलग अलग फीचर्स है इसमें. सबसे पहले तो अन अकेडमी विल गिव यू स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ओके, अन अकेडमी जो है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देगा. देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द क्विज, ओके, आप सारे क्विज को एक्सेस कर पाओगे, सारे मॉक्स को एक्सेस कर पाओगे, ओके. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में क्विज और मॉक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कीप अ ट्रैक ऑन योर प्रोग्रेस, ओके, आपके प्रोग्रेस को वो ट्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसीलिए क्विज और मॉक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी ऑल नो, नाउ सी, हमें बहुत बुरी आदत होती है कि हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन को उठाकर सॉल्व करते हैं, हम रैंडमली कोई भी मॉक को उठाकर सॉल्व करते हैं. दिस डज नॉट गिव द स्ट्रक्चर टू आर प्रिपरेशन, ओके, हमारे प्रिपरेशन को वो स्ट्रक्चर नहीं देता. बट अन अकेडमी के क्विज और मॉक जो है आपके प्रिपरेशन को अच्छा एनहेंस करेंगे. नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अन अकेडमी इज दैट द लीडर बोर्ड, ओके, द लीडर बोर्ड फैसिलिटी और द लीडर बोर्ड फीचर. जब भी आप किसी क्विज में या फिर मॉक में पार्टिसिपेट करते हैं, योर रैंक इज रिफ्लेक्टेड इन द लीडर बोर्ड. दैट्स हाउ यू कैन कम टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड इन दिस कॉम्पिटिशन, ओके, इस कॉम्पिटिशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं. तो एंड लेट मी टेल यू गाइज, द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव, ओके, द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. कोई भी एग्जाम उठाकर देखो आप, चाहे वो whether be it CAT, whether be it SNAP, or whether be it IFT, TIS, any exam you see, आप जो है competition बहुत तगड़ा है. तो this is the feature that will allow you to know, okay, this will allow you to know कि where is your position in the competition. Then next one is my favorite feature, okay, ये मेरा favorite feature है An Academy Plus subscription का. Is that you can have one-on-one discussion with the educators, okay? आप one-on-one doubt solving sessions कर सकते हैं educators के साथ. तो मान लीजिए कि जब आप ये subscription मेरे code के through लोगे, तब आपको 10% discount तो मिलेगा ही मिलेगा. मेरे courses जो है आपको unlimitedly accessible हो जाएंगे, okay? Unlimitedly accessible हो जाएंगे. And with that, okay? And with that, दूसरे भी जो educators हैं CAT के लिए, उनके भी कोर्सेज जो है आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेसिबल हो जाएंगे. तो इन दैट वे, ओके, इन दैट वे यू कैन हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन विद योर एडुकेटर. नाउ गाइस, इफ आई हैव टू टेल यू व्हाई दिस इज माय फेवरेट फीचर, ये मेरा फेवरेट फीचर क्यों है, क्योंकि आई गेट टू इंटरेक्ट विद यू, ओके, मुझे आपके साथ वन ऑन वन बेसिस पर इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है.
बिकॉज चाहे कोई भी आपका डाउट हो, करंट अफेयर्स रिलेटेड डाउट हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन रिलेटेड डाउट हो, वी कैन हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ओके, तो नाउ लिसनिंग और टू ऑल दिस फीचर्स, आप सोच रहे होंगे कि हाउ डू यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन. तो लेट मी टेल यू द प्रोसीजर. सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग्स ऐप, ओके, अनअकैडमी का लर्निंग्स ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे इंस्टॉल करना है. यू हैव टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, देन सिलेक्ट चेक फॉर प्लस कोर्सेज. ओके, प्लस कोर्सेज में जाना है एंड सिलेक्ट योर कोर्स दैट इज कैट. ओके, आपको कैट को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली सब्सक्रिप्शन ले लेना है. ओके, यू सिंपली हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन एंड यू ऑलरेडी नो, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं. दैट इज रुशी, RUSHI. द 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 15,750 rupees ओनली एंड द 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 18,900 rupees ओनली. ओके गाइस, स्पेशल डिस्काउंट कोड इज फ्लैशिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, रूशी, RUSHI, एंड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट. ओके, यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट गाइस, गोइंग अहेड, दीज आर सम अदर पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी. ये अलग कोर्सेज है अनअकैडमी पर, पॉपुलर कोर्सेज है जो हमें इस देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाता है. सो सिर्फ आप ही नहीं, इवन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी बेनिफिटेड थ्रू दिस. ओके, तो किसी को अगर मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना है, किसी को अगर IIT के लिए प्रिपेयर करना है, गेट के लिए, या फिर बैंकिंग एग्जाम, UPSC, सिविल सर्विसेज, सारे एग्जाम जो है, आप जस्ट आस्क देम टू चेक आउट दिस अमेजिंग कोर्सेस ऑन अनअकैडमी. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अनअकैडमी कैट फॉर MBA. लाइक द वीडियोस देयर. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सो प्लीज चेक आउट दोस वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू शेयर इट विद देयर फ्रेंड. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. ओके, आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कैट फॉर MBA, वेर इन यू कैन गेट ऑल द रिसेंट अपडेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई पर्सनल चैनल दैट इज ऋषिकेश काटे लाइव, वेर इन आई विल बी अपलोडिंग ऑल द PDFs. ओके, आई विल बी अपलोडिंग ऑल द PDFs ऑफ द सेशन दैट वी डू. आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, माय प्रोफाइल यूजर नेम इज ऋषि काटे वन. ओके, आप मुझे ऋषि काटे वन के थ्रू या फिर मेरे नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम ऋषिकेश काटे है. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक ऑल्सो फॉर एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, माई फेसबुक प्रोफाइल ID इज ऋषिकेश काटे. और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज IM_RNK. ओके, IM_RNK इज माई इंस्टाग्राम ID. ओके, तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द टॉपिक टूडे, यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन. टुमारो वी विल डिस्कस Citizenship Amendment Act. Okay, tomorrow we will discuss Citizenship Amendment Act at 9 a.m. Okay, guys. Hope you guys have a very good day ahead. Thank you so much. Thank you for joining in for the discussion. See you tomorrow. Bye bye, guys.